आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवर क्वेश्चन। व्हेन प्राइस इज 20 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 500 यूनिट। एज प्राइस फॉल्स टू ₹15 पर यूनिट, डिमांड एक्सपेंड टू 800 यूनिट। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। सबसे पहले इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करने के लिए अपने उसका फॉर्मूला देखते हैं। इसको डिनोट करते हैं ED से, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड, इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी इंटू क्यू। ये है अपना इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड का फॉर्मूला। अब अपने क्वेश्चन में देखते हैं क्या वैल्यूज गिवन है। When the price is 20 per unit, demand for a commodity is 500 unit. That means कि अपने को initial price given है, P की value है 20 per unit. ये जब सबसे first price है ना, वो है अपना P, that is 20. उसके demand for a commodity is 500 unit, that is initial quantity. Q की value आ रही है 500. As the price falls to ₹15 per unit, demand expand to 800 unit. न्यू प्राइस अपना आ गया, P1 की वैल्यू है 15 और क्वांटिटी चेंज होगी, दैट इज Q1 की वैल्यू आ जाएगी 800। ये डेटा अपना को क्वेश्चन में गिवन है। नाउ अब अपने को क्वेश्चन में चाहिए डेल्टा Q एंड डेल्टा P। तो डेल्टा P, डेल्टा का मीन्स होता है चेंज, चेंज इन द प्राइस। ये आएगा न्यू प्राइस P1 माइनस इनिशियल प्राइस, दैट इज P। न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस कर दोगे, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा पी, दैट इज डेल्टा पी इक्वल्स टू न्यू प्राइस है 15 माइनस इनिशियल प्राइस है 20, 15 माइनस 20, दैट मींस डेल्टा पी की वैल्यू अपने पास आएगी माइनस का 5। ऐसे ही डेल्टा क्यू इक्वल्स टू न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 800 माइनस 500, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू प्लस का 300। ये अपना डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आ गया। अब क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज आ गई। अब इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ईडी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू की वैल्यू है अपने पास 300 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, उसकी वैल्यू है माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय पी। ये है अपना इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस है अपने पास 20, That means multiply by 20 divided by initial quantity, वो है अपनी 500. Now ED equals to, ये 0 से 0 cancel हो जाएंगी, 5 4 जा 20, That means ऊपर है 3 into 4, 12 upon में है 5, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा value, minus 1 into 5, that is minus 5. So ED equals to 12 divided by minus 5. Now, जब अपने 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, so the value is 2.4. And जब किसी पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया, so minus 24 आएगा. But जब भी इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कैलकुलेट करती है, प्लस या माइनस के साइन को इग्नोर कर देना है, दैट मीन्स यहाँ पे इग्नोर साइन. So the value of ED equals to 2.4. Here the elasticity of the demand की value greater than 1 आ रही है. ये 2.4 1 से बड़ा है. That means elasticity of the demand 1 से बड़ी है. जब elasticity of the demand 1 से बड़ी होती है, that means इसकी जो demand है वो elastic demand है. या more than 1 demand है. So here the elasticity of the demand is greater than 1. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।